हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सबका एक बार फिर डीपीएस की ऑनलाइन क्लास में। जैसा आप सबको पता है, मैं आपको एनवायरमेंट सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, उसी प्रकार से आज एक बार फिर आपकी क्लास लेकर के प्रेजेंट हो गया हूँ। और आप सबको पता है, अगर आप मेरी रेगुलर क्लास लेते हो, रेगुलर मेरे की क्लास से बड़ा पढ़ाई करते हो, तो आपको पता है कि हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं। और हो सकता है कि आज चैप्टर नंबर 4 हमारा क्वेश्चन आंसर के साथ में भी कंप्लीट हो जाएगा पूरा। तो कुछ नहीं करना है, बुक लेना है ईवीएस की, पेज नंबर 28 ओपन करना है, और काम करने के लिए ईवीएस की नोटबुक लेना है। आपको पता हो, पीछे देखो आपकी नोटबुक में कि आपने कहां तक काम कर लिया है, यानी ई वाला जो क्वेश्चन ना, पेज नंबर 28 पर, पेज संख्या 28 पर आपको सबसे ऊपर क्वेश्चन दिख रहा होगा डी वाला, और यह हमने कर लिया। फिर दिख रहा होगा ई वाला, वह भी हमने कर लिया। फिर उसके नीचे है एफ वाला, यहां से हमारे को स्टार्ट करना है। तो स्टार्ट कीजिएगा आप भी अपनी नोटबुक में, और क्या एफ वाला, कौन सा एफ वाला, और है कौन सी SHORT, शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस है, टाइप के क्वेश्चंस है, शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस है। उसमें देखिएगा नंबर 1 क्या है, नंबर 1 हाउ आर प्लांट्स यूजफुल फॉर अस, हाउ क्या है क्वेश्चन, हाउ आर प्लांट्स यूजफुल फॉर अस, फॉर अस यानी हमारे लिए, यानी पौधे हमारे लिए कैसे उपयोगी है। हमने पढ़ा था इस पूरे चैप्टर में प्लांट्स के बारे में पढ़ा था ना, प्लांट्स कितने टाइप के होते हैं, उसमें भी अलग अलग उसका काम पढ़ा था कि रूट का फंक्शन क्या होता है, स्टेम का फंक्शन क्या होता है। तो हमारे को क्या देखते हैं, इसमें लिखना है, यूजफुल लिखना है प्लांट्स के, कि पौधों का उपयोग क्या होता है, या पौधे हमारे लिए कैसे उपयोगी है, पौधे हमारे लिए उपयोगी कैसे हैं, पौधे हमारे को बहुत सारी चीजें देते हैं। तो आंसर लिखना, We get lot of things from the plants, यानी हम पौधों से बहुत सारी चीजें प्राप्त करते हैं। लिखेगा जैसे कि FOOD, फूड भोजन हो गया, उसके बाद में एयर हो गया, उसके बाद में बात करूं तो फ्रूट्स हो गया, भोजन, एयर, फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स, VEGETABLES, वेजिटेबल्स, FLOWERS, फ्लावर्स एटसेट्रा। इस प्रकार पौधे हमारे लिए उपयोगी है, हम पौधों से बहुत सारी वस्तुएं प्राप्त करते हैं। आगे लिखना है THUSELESS, इस प्रकार PLANT, प्लांट्स आर USEFUL, यूजफुल फॉर अस, इस प्रकार पौधे हमारे लिए उपयोगी है, इस प्रकार पौधे हमारे लिए उपयोगी है। तो आंसर क्या लिखना है, वी गेट लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम द प्लांट्स लाइक फूड, एयर, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एटसेट्रा, दस प्लांट्स आर यूजफुल फॉर अस। समझ में आया कि आपको क्या आंसर लिखना है। ये हुआ हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, व्हाट आर द प्लांट्स फंक्शंस ऑफ रूट, WHET, व्हाट आर द FUNCTIONS, फंक्शंस ऑफ द ROOTS, यानी जड़ों का कार्य क्या होता है, जड़ों का कार्य क्या होता है, फंक्शंस, रूट का फंक्शंस क्या होते हैं, रूट्स यानी जड़ें होती है,
जड़ों का आपसे कार्य पूछा है कि जड़ों के कार्य क्या होते हैं। क्या होते बेटा जड़ों के कार्य, पूरा हमने पढ़ा था, बहुत मैंने आपको डिटेल में बताया था या नहीं बताया था? बिल्कुल बताया था, पूरा डिटेल में मैंने बताया था कि जड़ें होती है वो यूजुअली कहाँ ग्रो करती है, अंडरग्राउंड करती है, जमीन के अंदर की ओर जड़ें वृद्धि करती है। उसके अलावा जो रूट होती है वो सपोर्ट देती है पौधों को और ग्राउंड में फिक्स रखती है, वाटर एब्जॉर्ब करती है, मिनरल्स एब्जॉर्ब करती है सॉइल से। उसके अलावा कुछ पौधों की जड़ों में फूड भी स्टोर होता है। तो आंसर लिखिएगा द रूट प्रोवाइड द ROTS रूट्स PROVIDE प्रोवाइड क्या प्रोवाइड करती हैं, SUPPORT सपोर्ट किसको, ऑफ द प्लांट पौधों को, ऑफ द प्लांट्स पौधों को सपोर्ट प्रदान कराती है बाय फिक्सिंग इट टू द ग्राउंड बाय FIXING फिक्सिंग। फिक्सिंग यानी पौधे को फिक्स करती है, किस कहां करती है, इट टू द ग्राउंड, इट टू द GROUND ग्राउंड यानी जमीन के अंदर फिक्स करती है। आगे बोलूं तो आगे लिखना है रूट्स एब्जॉर्ब करती है वाटर को, ABSORBA एब्जॉर्ब WATER वाटर एंड पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स NUTRIENTS न्यूट्रिएंट्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल यानी कहां से, मिट्टी से। उसके अलावा किसके लिए, फॉर द प्लांट पौधों के लिए, फॉर द प्लांट यानी पौधे के लिए मिट्टी से पोषक तत्व और खनिजों का अवशोषण करती है। उसके अलावा प्लांट्स आगे लिखूं तो PLANTS प्लांट्स लाइक जैसे कि कौन से पौधे, CARROT कैरेट गाजर, उसके अलावा बीट रूट चुकंदर, उसके अलावा रेडिश RADIS रेडिश यानी मूली रेडिश, ये क्या करते हैं, स्टोर फूड इन द रूट्स STORE स्टोर फूड इन द रूट्स यानी ये क्या करती है, जड़ों में भोजन को भी स्टोर करती है। कौन कौन से, जैसे कैरेट हो गया, बीटरूट चुकंदर होता है एंड द लास्ट रेडिश यानी मूली। ये तीन ऐसे प्लांट्स होते हैं, ये तीन ऐसे प्लांट्स होते हैं जो क्या करते हैं, पौधों में जड़ों में भोजन भी स्टोर करते हैं। आपको पता हो तो देखो बेटा, हम कैरेट खाते हैं, कैरेट गाजर हम खाते हैं ना, और रेडिश यानी मूली भी हम खाते हैं, बट बेटा वो पार्ट कहाँ रहता है, आपने कहीं गाजर या मूली लगा हुआ देखा होगा तो वो कहाँ देखा होगा, गाजर मूली बेटा जमीन के अंदर लगती है, जमीन के अंदर लगती है ना, बिल्कुल सही बात है, जमीन के अंदर लगती है। तो जमीन के अंदर लगती है इसका मतलब क्या हुआ कि हम जड़े हैं, हम जड़ को खाते हैं, और खाने का मतलब वो भोजन को स्टोर करती है जड़ों के रूप में, पौधे की जड़ों के रूप में भोजन स्टोर होता है। पहले हमने लिखा था कि जड़ें होती है वो सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है पौधे को और ग्राउंड में फिक्स रखती है, फिर लिखा एब्जॉर्ब वाटर करती है, जल का अवशोषण करती और पोषक तत्वों का अवशोषण करती, कहां से, मिट्टी से करती है पौधों के लिए, और ये जो प्लांट जैसे कुछ अलग प्लांट कैरेट होता, बीटू रेडिश होता, वह रूट्स यानी जड़ों में स्टोर फूड भी करता है। इस प्रकार देखो बेटा, पहला हमने क्वेश्चन किया है और दूसरा क्वेश्चन किया है, ठीक है ना। तो आपको बेटा काम ज्यादा हो गया आपके लिए, इस कारण से आज हम यहीं पर क्लास खत्म कर रहे हैं, और होमवर्क में ये मैंने दोनों करवाए ना, पहला दूसरा क्वेश्चन, ये दोनों आपको होमवर्क में कर लेना है। कल हमारी क्लास आएगी, उसमें आगे के बचे हुए जो 3 क्वेश्चन है ना, वो हम उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे और चैप्टर को हम एंड कर देंगे, ठीक है ना। अब आपसे विदा लेता हूँ, कल वापस लौटता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए बेटा खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।